नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू। नीट पीजी काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। इस मामले में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी FORDA फोर्डा की तरफ से भी अर्जी दी गई। फोर्डा की ओर से कहा गया कि काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है क्योंकि हम चिकित्सा कार्यबल की रीढ़ हैं। जमीनी स्तर पर जब कोविड की तीसरी लहर दरवाजे पर दस्तक दे रही है, हमें मैदान में डॉक्टरों की जरूरत है। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ डॉक्टरों की नहीं बल्कि देश की चिंता है। आपकी चिंता को बेंच ने भी साझा किया है। रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए सलाहकार अपूर्व करोल ने कहा कि 33% कार्यबल काम पर नहीं गए हैं और जो काम कर रहे हैं वे भी ओमिक्रॉन के कारण अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। जो भी फैसला लिया जाए उसमें तेजी लाई जानी चाहिए। अब क्या कहना है याचिकाकर्ताओं के वकील अरविंद दातार का? उन्होंने कहा कि 8 लाख की सीमा ज्यादा है और मनमानी है। उनको फायदा होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है। जब वे क्रीमी लेयर को बाहर कर रहे हैं तो 8 लाख कैसे जायज है? वे कह रहे हैं कि उम्मीदवारों को घर पंजीकरण दस्तावेज आय संपत्ति प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत है। उम्मीदवारों को इतनी जल्दी सूचना पर दस्तावेज कहां से प्राप्त होंगे? वे पूरे देश पर एक फॉर्मूला थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। सीहो समिति की रिपोर्ट में विस्तृत अध्ययन किया गया था। आज की काउंसलिंग के लिए सीहो कमेटी की रिपोर्ट के तहत वर्तमान में मौजूद फॉर्मूला लागू किया जाए। अगले साल नए EWS मानदंड पर विचार किया जा सकता है। अब इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, आंकड़ों की बात करते समय मुझे स्कॉटिश कवि की बात याद आती है। उन्होंने स्कॉटिश कवि का उल्लेख किया कि आंकड़ों का उपयोग करना एक शराबी की तरह है जो लैंप पोस्ट का उपयोग रोशनी से ज्यादा सपोर्ट के लिए करता है। अदालत को एक अलग दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम एक अभ्यास में बैठते हैं तो हमेशा एक बुद्धिमान सूचित विवेक होगा जो एक विकल्प लाएगा। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां आरक्षण व्यवस्था यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम लागू है। इस व्यवस्था के अंतर्गत सभी तक आरक्षण सुविधा का लाभ सिर्फ SC ST यानी स्केड्यूल ट्राइब, SC यानी स्केड्यूल कास्ट एवं OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को दिया जा रहा था। इस आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग यानी कि जनरल क्लास के लोग आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की मांग काफी लंबे समय से करते आ रहे थे, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में लागू कर ही दिया। अब देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC के अलावा सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाना होगा। EWS का फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हिंदी भाषा में इसका अर्थ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होता है। EWS प्रमाण पत्र लगभग इनकम सर्टिफिकेट की भांति ही होता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। EWS सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ देने की सुविधा है। जिस प्रकार SC ST और OBC वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ लेने के लिए EWS सर्टिफिकेट बनवाना अति आवश्यक है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? एक आवेदक की क्या क्या कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आवेदक जनरल कैटेगरी का होना अति आवश्यक है। आवेदक कर्ता के परिवार की वार्षिक इनकम सालाना 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरी, आवेदनकर्ता के पारिवारिक सदस्यों के पास 5 एकड़ खेती तथा 1,000 स्क्वायर फुट से अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए। आवेदक या उनके पारिवारिक सदस्यों में किसी के पास नगर क्षेत्र में रेजिडेंशियल प्लॉट 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि एप्लीकेंट्स बेसिक एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए।
आवेदक का मोबाइल नंबर या फोन नंबर, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, जमीनी संपत्ति के दस्तावेज लैंड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, और शपथ पत्र, एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत नेसेसरी हैं अगर आप एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। धन्यवाद, अच्छी खबर में बस इतना ही, और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहरू।